हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परसूट ऑफ हॉबीज। आज हम इस वीडियो में जो अपने भगवान होते भगवान जी होते मंदिर में, उनके लिए जो वस्त्र बनाते वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं भी है, सिविंग मशीन नहीं है, सिर्फ सुई धागा है, उससे भी आप ये सिल सकते हैं। सो यू विल नीड क्लोथ, ये एक पुराना ब्लाउज पीस या फिर स्पेशल भगवान जी के लिए कपड़े भी आते हैं उससे आप बना सकते हैं। ये मैंने लिया है कपड़ा, ये 4x4 इंच का मैंने लिया है। आप अपने जो भी भगवान जी आपके मंदिर में उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ले। अभी इसके एक साइड में हम प्लेट्स बनाएंगे, तो ये प्लेट्स आप सुई धागा की मदद से पहले सिक्योर कर सकते हैं। पहले आप इसे सिल लें और ऊपर की साइड जो है वो प्लीट्स सिलने के बाद आप दो बार उसे सिले ताकि वो टाइट हो, और उसके अलावा जो फिर 3 साइड्स बच जाते हैं, जो बाकी 3 साइड्स है उन्हें भी आप फोल्ड करके उनको सिल लें ताकि वो धागा ना निकले या फिर वो थोड़ा सिलाई में अच्छा रहे। और उसके ऊपर मैंने ये जो पट्टी लगाई है, आप ऐसे एक लंबे कपड़े को ले और उस पट्टी को आप एक साइड से पहले सिल ले और दूसरी साइड से इसे फोल्ड करके दोबारा सिल ले, तो इससे वो सिक्योर हो जाता है और उससे एक स्ट्रेंथ रहती है कपड़े में। उसके जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो भी आप फोल्ड करके उस पर सिलाई मार ले या फिर सुई धागा की मदद से उसे पक्का कर ले। और ऐसे नीचे के साइड में आप लेस भी लगा सकते ताकि वो अच्छा दिखे, तो ऐसे आप घर पे सुई धागा से कर सकते हैं। थैंक यू।